जो हिंदू गर्व की बात करेगा वही देश पे राज करेगा। हिंदू वोटर सबसे अहम हो गया है क्या? हिंदू वोटर पर सबकी आंखें हैं। अगवा से क्या बदले का भाग्य? हिंदू सियासत संजीदा तो बोलते रहो, तुम्हें बुलाया किस लिए? फिर आपकी बात सुन रहा हूँ मैं, तुम्हें बोलते रहो। आप शर्म आनी चाहिए अमित देखो, आपको आपको एंकरता छोड़ के बैठ जाना चाहिए घर पे। और इससे ज्यादा भी कुछ बोलिए, तुम हिंदू मुस्लिम चाहते हो, तुम देश में आगरा पिछड़े चाहते हो, तुम देश में आगरा आना चाहते हो। और जो लोग हिंदू मुसलमान लाने का संपूर्ण प्रयास कर रहे हैं उनको मैं कहता हूं कि कृपया इस चैनल से और मुझसे दूर रहिए। भारत का मीडिया दो हिस्सों में बढ़ चुका है, एक जो सरकार की आलोचना करता है और दूसरा जो सरकार की चाटुकारिता करता है, जिसे हम गोदी मीडिया भी कहते हैं। ये मीडिया सरकार के खिलाफ नहीं बोलता बल्कि सरकार की हां में हां मिलाता है। आज हमें एक ऐसे पत्रकार की बात करेंगे जो ज्यादातर डिबेट हिंदू मुस्लिम और पाकिस्तान पर करते हैं, पर जो देश के जरूरी मुद्दे हैं उन पर कम बात करते हैं या बिल्कुल ही नहीं करते। हम बात कर रहे हैं न्यूज 18 के पत्रकार अमीश देवगन की। अमीश देवगन डिबेट के जरिए नफरत फैलाने का काम करते हैं, फिर खुद ही बोलते हैं कि जो हिंदू मुस्लिम की बात करेंगे वो इस चैनल से दूर रहिए। जो बीमारी न धर्म देखती है, न मोहल्ला देखती है, न कुछ और देखती है, न स्टेट देखती है। इसीलिए मेरा निवेदन है कि इसमें धर्म को नहीं लाना चाहिए। और जो लोग हिंदू मुसलमान लाने का संपूर्ण प्रयास कर रहे हैं उनको मैं कहता हूं कि कृपया इस चैनल से और मुझसे दूर रहिए। अमीश देवगन लगातार एक कम्युनिटी को टारगेट करते हैं, देश में नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। इनकी ज्यादातर डिबेट हिंदू मुस्लिम पर ही होती है। असली हिंदू वर्सेस ढोंगी हिंदू, क्या टोपी पहनाकर, जालीदार टोपी पहनाकर 2019 की जंग जीत जाएगी कांग्रेस? मुसलमानों पर तो गलती मान ली, क्या हिंदू आतंकवाद पर भी सॉरी कहेंगे राहुल गांधी? जो हिंदू हित की बात करेगा वही 19 में क्या राज करेगा? जो हिंदू गर्व की बात करेगा वही देश पे राज करेगा। हिंदू वोटर सबसे अहम हो गया है क्या? हिंदू वोटर पर सबकी आंखें हैं। अगवा से क्या बदले का भाग्य? हिंदू सियासत, हिंदू कोट अनकोट, हिंदू सियासत में महाभारत, पहले हिंदू पाकिस्तान और अब हिंदू तालिबान। हिंदुत्व किसकी बकौती? हिंदुत्व प्लस दलित इज इक्वल टू 2019 में जीत। 2019 का धर्म युद्ध, 2019 के बाद क्या हिंदुत्व करेगा सबका बेड़ा पार? आज आर पार में इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। चुनाव में राम वर्सेस एच की पूरी कहानी देखी। जब इन्हें कभी हिंदू मुस्लिम कंटेंट नहीं मिलता तब ये पड़ोसी देश पाकिस्तान पर डिबेट करना शुरू कर देते हैं। पाकिस्तान वो मुल्क है जिसे बेइज्जती की आदत हो गई है। आए दिन दुनिया का कोई ना कोई देश पाकिस्तान को जिल्लत का एहसास करा देता है और इमरान खान भारत को कोसते ही रह जाते हैं। अब पाकिस्तान का खाली कटोरा खाली ही रहने वाला है। आज का दिन पाकिस्तान पर बहुत भारी है क्योंकि इंटरनेशनल कोर्ट में पाकिस्तान को जोरदार थप्पड़ लग गया है। ये इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी सुर्खी है। मोदी के चौतरफा चक्रव्यूह में फंसकर इमरान खान को अपने चहेते आतंकी सरगना हाफिज सईद को भी अरेस्ट करना पड़ा है। दुनिया के सबसे बड़े मंच यूनाइटेड नेशंस में खड़े होकर बड़ी बड़ी डींगे हांकने वाले इमरान खान के चेहरे पर आज कालिख पुत गई है क्योंकि आज आर पार में हम पाकिस्तान और इमरान खान के एक एक पाप खोलने वाले हैं। दुनिया भर में कश्मीर का ढोल पीटने वाले इमरान खान आज सिर से पांव तक शर्मसार हो जाएंगे। अक्सर अपनी डिबेट में आए गेस्ट परमेश देवगन चलाते हैं, उन पर हावी भी होते हैं, पर कुछ ऐसे मौके भी हैं जब गेस्ट उन पर ही भारी पड़ जाते हैं। मैं किसी भी प्रकार के भड़काऊ बयानबाजी नहीं चाहता, जो हुआ उससे मैं बहुत दुखी हूँ। मैं नहीं चाहता कि भारत में किसी भी धर्म के प्रति शत्रुतापूर्ण व्यवहार हो, मुझे किसी भी धर्म से कोई शिकायत नहीं है। ये बहुत स्पष्ट यशपाल सक्सेना जी ने कहा। आप भी लिंचिंग को धर्म से जोड़ रहे हैं क्या? आप भी लिंचिंग को धर्म से जोड़ रहे हैं क्या? मैं कंप्लीट कर लूं जी। आप एक विद्वान एंकर हैं और मुझे लगता है निष्पक्ष भी होंगे, हालांकि हिंदू मुस्लिम आप ही करा रहे हैं बैठा करके यहाँ पर। मैं कंप्लीट कर दूं अमित देवगन, बताइए आप भी धर्म से जोड़ रहे हैं? सवाल करने का मन है तो कर लो, सवाल और कर लो। मैंने कितनी बढ़िया बात कही है और जो दर्शक आपको सुन रहे होंगे वो कह रहे होंगे कि अमित देवगन किस तरह की बातें कर रहे हैं। कुछ तो अमीश देवगन, अब सुन लो तुम अपने तो बारे में। तुम जो देश में बीज बो रहे हो अमीश देवगन, उसके देश को परिणाम भुगतने होंगे। मैं कंप्लीट कर दूं अगर 30 सेकंड दो तो निष्पक्ष रूप से, और नहीं करना चाहते तो चुपचाप भी बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। राजीव चाचा बोलिए। फ्रेंड वो तो इसलिए भुगत रहा है कि तुम जैसे
तुम जैसे पत्रकार जो है 500 चैनल हमने खोल के रख दिए और तुम जैसे पत्रकार पत्रकार बन गए, इसलिए मुल्क भोग रहा है। खोले चैनल, इसलिए मुल्क भोग रहा है। अमित देवगन सर, आपका लेक्चर मुझे नहीं सुनना, अपनी बात रखिए। आप स्पष्टता से अपनी बात नहीं सुनना तो बात सुनो। आप बात आप बात करिए तो मुझे बुलाए मत करो। गली मोहल्ले की चाय की दुकान पे नहीं खड़े हो। अमित देवगन, तुम्हें बात नहीं सुननी है तो बुलाए मत करो। मैंने बात सुनी है तभी बुलाया है। दलाल की तरह बात मत करो और ये धमकी देना बंद करो। बात मत करो, ये धमकीबाजी देना बंद करो। दलाल भड़वे की तरह बात मत करो। बात करनी है तो पत्रकार की तरह बात करो। भाषा की मर्यादा रखिए। मैं आपसे बड़ी बहुत दायरे में बात कर रहा हूं। पार्लियामेंट की लैंग्वेज में बात कर रहे हो, आदमी से बात नहीं कर रहे हो। नो माय डियर फ्रेंड, मैं तुम्हें भड़वा कहता हूँ, दलाल कहता हूँ, और बताओ। और इससे ज्यादा भी कुछ बोलिए। तुम हिंदू मुस्लिम चाहते हो, तुम देश में आग लगाना पिछड़े चाहते हो, तुम देश में आग लगाना चाहते हो। रणदीप सुरजेवाला कांग्रेस के मीडिया चीफ बड़े नेता ने क्या बोला, शरद पवार की बात को हम हल्के में नहीं ले सकते, तो परसों तक आप संजय निरुपम की बात से किनारा क्यों कर रहे थे? परसों तक आप संजय निरुपम की बात से किनारा न क्यों कर रहे थे जब आपको सोमवार को उतरना ही था इस कगार पर? तब आप किनारा क्यों कर रहे थे सर? अरे किसी भाजपाई को उतनी पीड़ा नहीं हुई, डिस्टर्ब किया आपको सबसे पहले हो गई सर। बात पूरी सुनेंगे नहीं, कॉपी कट पेस्ट चाहिए। समस्या भाई नहीं, आपको प्रधानमंत्री की हत्या की साजिश में भी पॉलिटिक्स देखनी है सर। लिख के लाया करो, हम दस्तखत कर दिया करें जो आपको चाहिए। हमें बोलने की क्या जरूरत है? आप लिख के आप बोल भी रहे और फिर आप बात बोल रहे कि हाँ हमारा ये स्टेटमेंट है। बोल आप रहे, मैं तो बोल ही नहीं पा रहा हूँ। ये कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी को उड़ा देंगे जैसे राजीव गांधी को उड़ाया था। वो सब कुछ गलत है, लेकिन वो 5 आरोपी सही हो गए आज। सुनिए किसकी तरफ है सर आप लोग? कितना चीखते हो गया? अरे रुकिए, ये बड़े संजीदा सवाल है। उधर हाफिज सईद कह रहे हैं नरेंद्र मोदी को उड़ाकर इस्लाम का झंडा फहराएंगे। बहुत संजीदा है, बोलते रहो। तुम्हें बुलाया किस लिए? फिर आपकी बात सुन रहा हूँ मैं, तुम्हें बोलते रहो। आपकी बात को सुन रहा हूँ मैं। अरे कहाँ सुन रहे हो? बोलिए आप, कहाँ बोल पाए सर? पिछले 2.5 मिनट आप लोग बोले, फिर भी कह रहे हम नहीं बोले। देखिए, अरे यार कहाँ 2.5 मिनट तो तुम बोल रहे हो भैया। तो आप पोलराइज कर रहे हैं, आपकी बंटवारे की मानसिकता है। और ये देखो, ये देखो, देखो मंदिर की ऐसे नहीं किसी को बोल सकते हमारे प्रधान। बकवास, हंसिए, राक्षस लग रहे हैं बिल्कुल। ये देखो, ये खुद बोल रही है, ये खुद, ये वरिष्ठ वकील बिना डिग्री के वकील, ये बिना डिग्री के वकील हमको काला चरम के निकाल रहे हैं। देखो बिना डिग्री के वकील, रावण की कोई चीज पता है? होमवर्क देती हूँ, जाइए जाके पढ़िए, जाके अपने बड़े भड़काऊ भाईजान से रट के यहाँ पे तोते की तरह मत बोला करिए। ये भाषा की मर्यादा रखिए, बोला करिए। तोता बकवास, क्या हो रहा है? अरे मोदी ने आपके गले में कुत्ते का पट्टा बांध दिया है। मोदी ने आपके गले में कुत्ते का पट्टा बांध दिया है। आप उसकी दुम ये गलत भाषा किसी महिला के साथ। ऐसा बोलूंगा कुर्सी छोड़ के भागेंगे। मिस्टर पठान, मेरे को संविधान का मुकाबला नहीं कर सकते ये लोग। ये देश के गद्दार है बिना डिग्री के वकील। संविधान का अपमान कर रही है ये बैठ कर यहाँ पर, और आप खामोशी के साथ बैठे हैं। अमित देवगन, शर्म आनी चाहिए अमित देवगन आपको। आपको एंकरता छोड़ के बैठ जाना चाहिए घर पे। कितने फंडामेंटल राइट्स हैं वकील साहब? बैठ जाना चाहिए। कितने फंडामेंटल? आपको इनकी बात बुरी लग सकती है? आप गलत इनकी बात को काउंट कर सकते हैं, लेकिन इन शब्दों का इस्तेमाल मेरी बहस पे चाहे नहीं है। आप उस लेडी को बोलेंगे कि माफी मांगे, वो बोलिए उसको माफी मांगने के लिए। बोलिए आपने हिम्मत और गैर बच्चे तो माफी मंगवाइए, उसे संविधान का अपमान किया है। कौन साजिश कर रहा है? बलि का बकरा, साजिश का सीधा बलि का बकरा। इसके बाद एसडीएम के कहने के बावजूद सपना बोले, मेरा निवेदन है ना, ये तरीका गलत होगा। डिस्पर्स करने के लिए कोई कोशिश नहीं हुई। देखिए 23 तारीख को एसडीएम से मदद मांगने के बावजूद भी उनको मदद नहीं दी गई। मैं और किसी को बोले तो हमें भी देखिए देखिए मेरा निवेदन है, मैं सबको मौका दे रहा हूँ पूरा बोलने का। स्पेशल पास दे रही है इंडिया गेट में, कल सारे लोग पकड़े गए। एक सेकंड शोएब जमाई आप अपने नाम के साथ डॉक्टर लगाते हैं कि नहीं लगाते? प्रोफेसर लगाते हैं। एक सेकंड रुको शोएब जमाई, रुको शोएब जमाई, रुकिए सॉरी, जब बात सुनिए। मेरा ऑडियो डाउन करा देंगे। किसी का ऑडियो डाउन नहीं हुआ है, ऑडियो किसी का डाउन नहीं हुआ है। मैं किसी का ऑडियो डाउन नहीं करता, ये मैं काम नहीं करता। लेकिन कोई किसी के बीच में बोलेगा तो ऑडियो डाउन करना पड़ता है। सवाल पूछता हूँ, मेरा ऑडियो डाउन करा देते हैं आप लोग? बिल्कुल नहीं, आपका ऑडियो आ रहा है। पूछिए, मुंह बंद करवाइए, अपनी बेगम से पूछ लीजिएगा भाई। हम आपका ऑडियो डाउन नहीं करा, पूछ लेंगे और सरकार की बेगम से भी पूछ लेंगे। ठीक है, मीडिया भारतीय लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, पर नफरत भरी पत्रकारिता देखकर ऐसा लगता है कि शायद ये स्तंभ भी टूटने वाला है। हम उम्मीद करते हैं कि मीडिया नफरत छोड़ प्यार की भाषा बोलेगा और देश के जरूरी मुद्दों पर सरकार से सवाल करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब टुडे टीवी। इफ
please subscribe, and to get notifications about news, please click the bell icon.